हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो कल के व्लॉग में तो आपने देखा ही था कि हमने मंदिर जाने के लिए लगवाया था टीका। तो ये सुबह का टाइम है तो हम जा रहे हैं मंदिर। कल शाम को जब हम मंदिर पहुँचे थे तब भी महाकाल जी की आरती हो रही थी और फिर भी हम अंदर नहीं जा पाए थे। और अभी जस्ट हम मंदिर में एंटर किए हैं और महाकाल जी की आरती हो चुकी है। तो गाइज, आज भी हम लोग से आरती मिस हो गई। फिर हमने महाकाल जी के दर्शन किए और हम चले गए काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि महाकाल जी का दर्शन तभी पूरा होता है जब आप काल भैरव जी का दर्शन कर लेते हैं। और भीड़ की वजह से हम सभी मंदिरों में तो दर्शन नहीं कर पाए, बट जहाँ जहाँ हम कर सकते थे वहाँ वहाँ हम ज़रूर गए। फाइनली हम ई रिक्शा पर बैठ गए काल भैरव मंदिर जाने के लिए। फाइनली गाइज, हम काल भैरव बाबा जी के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी हमें भीड़ तो लग ही रही है। पर हमने क्या किया कि हम अपने जूते चप्पल ई रिक्शा पर ही उतार के आ गए। तो फिर पता चला कि ज़मीन इतना ज़्यादा गर्म था कि लिटरली हमारे पैर जल रहे थे। भीड़ देखने से तो ऐसा लग रहा था कि महाकाल जी में तो फिर भी एक डेढ़ घंटे का टाइम लग रहा था दर्शन करने के लिए, बट काल भैरव बाबा जी के मंदिर में हमें दो ढाई तीन घंटे तो आराम से लग जाएंगे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो गाइज़, देखते हैं कि काल भैरव बाबा जी हमें कब दर्शन देंगे।